ओम साई राम सबको। आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज बना रहे हम लोग चाय का मसाला, घर पे ही बनाएंगे। तो देखिए, मैंने काली मिर्च लिया है, लौंग लिया है और बड़ी इलायची ली है और सूंट लिया है, ये हरी इलायची, दालचीनी और सौंफ लिया है। तो अभी कढ़ाई गरम करने के लिए रखेंगे, हल्की गरम करेंगे कढ़ाई को, ज़्यादा धीमे गैस पे ही करेंगे। हल्का सा गरम करना है मसाले को। तो ये 20 ग्राम मैंने हरी इलायची ली है और 4 बड़ी इलायची, लौंग 2 चम्मच, काली मिर्च 2 चम्मच और ये 100 ग्राम लिया है और 2 चम्मच सौंफ लिया है। तो इनको सबको हम ना मतलब भूंजेंगे नहीं, सिर्फ इनका कच्चापन निकालने के लिए थोड़ा सा गर्म करेंगे इनको, कि थोड़ा सा इनका कच्चापन निकल जाएगा। हल्का इनको गर्म करेंगे, उसके बाद में हम ये तुलसी के मंजूरे डाल देंगे और ये हमने बाद में सूंट डाला, पहले नहीं डालेंगे। थोड़ा वो मसाला गर्म हो जाएगा उसके बाद में हमने सूंट डाला है। तुलसी के आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे सूखी हुई तुलसी होती है तो उसकी डंडियाँ भी डाल सकते हैं, वो थे नहीं तो मैंने उन्हीं के वो बीज होते वो निकाल के डाले हैं। सब 2-2 चम्मच मतलब अच्छे से मिला के डाला हुआ है। मैं करती हूँ गैस बंद, ये गर्म हो गया मसाला अच्छे से। ये बाजार जैसे ही मसाला बनता है बिल्कुल टेस्टी, तो हम लोग ऐसे ही मसाला बना के रखते हैं और अच्छे स्टोर करके रखते हैं। हम चाय जब बनाते हैं तब थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके डालते हैं। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो अभी इसको मिक्सी जार में पीसेंगे। देखिए, सारे मसाले को हम एक साथ डाल देंगे और एकदम बारीक पीसेंगे, एकदम महीन पाउडर बनाएंगे इसका। देखिए ये थोड़ा दरदरा है, और एक बार पीसेंगे इसको मिक्स करने के बाद। देखिए, जो लोग चाय के शौकीन है ना, वो ऐसा मसाला बना के रखिएगा और काफ़ी दिन तक चला जाता है। इतना मसाला आप बनाएंगे काफ़ी दिन तक जाएगा, ये चाय काफ़ी टेस्टी बनती है। ये देखिए, पीसने के बाद में मैंने एक डब्बे में डाल दिया इसको और अच्छे से पैक करके इसको रख देंगे। जब चाय बनाएंगे इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के चाय बनाएंगे, काफ़ी टेस्टी बनती, बहुत टेस्टी बनती है इसकी चाय। जैसे बाज़ार में होता है ना चाय मसाला, वैसे ही चाय मसाला बनता है। देखिए, अभी चाय भी बना के दिखाती हूँ मैं आपको, क्योंकि क्या होता है ना कि बाज़ार से लाते तो काफ़ी महंगा पड़ता है हम लोगों को, घर में बनाएंगे तो कम में हो जाता है। ये देखिए, मैंने गुड़ की चाय बना रही हूँ, मैंने गुड़ डाला और चाय पत्ती डाली अभी, क्योंकि ये इतना मसाला मेरा 100 रुपये में ही बन गया है, ज़्यादा खर्चा नहीं आया है, 100 ही रुपये आया है। और ऐसे मसाला लेने जाओ तो काफ़ी, इतना मसाला तो बहुत महंगा पड़ेगा बाज़ार में, इसी वजह से घर में बनाऊँ काफ़ी दिन तक भी चलेगा और अपना घर का होता है तो ताज़ा भी रहता है और अच्छा रहता है। तो इसी वजह से मैं बोलती हूँ सबको कि घर में ही आप चाय पीते हो, चाय के शौकीन नहीं तो आप घर पे ही बनाइएगा। ये पूरा दूध डालने के बाद जब उबाल आ जाता है ना, देखिए, तब मैं इसमें मसाला डालूँगी, पहले नहीं डालूँगी क्योंकि गुड़ की चाय है ना, और ये मसाले को ज़्यादा देर तक ऐसे उबाला नहीं जाता है, इसका टेस्ट ऐसे ही आ जाता है। मैंने छोटा आधा चम्मच करीब इसका मसाला लिया है। देखिए, थोड़ी देर मसाला डालने के बाद में ना थोड़ी देर ही हम लोग इसको उबालेंगे। देखिए, काफ़ी अच्छा कलर आ गया है, अब उबाल भी आ गए हैं, अब गैस बंद करते हैं। खुशबू तो देखो उबाल आ रहा है ना, उसी के साथ खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रही है इसकी, बहुत अच्छी।
ऐसे पता चल जाएगा बाहर तक की चाय बन रही है, इतनी अच्छी खुशबू इसकी आती है। ये हो गई है चाय पीने के लिए बिल्कुल तैयार। और मेरा ये मसाले का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और घर में कौन कौन मसाला बनाता है ये भी ज़रूर बताइएगा। बहुत टेस्टी बनी है चाय, ये ऐसी चाय पी के ना मज़ा आ जाता है, और बारिश के टाइम में तो और ज़्यादा। मैं अगले ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।